नमस्कार साथियों, हमेशा की तरह 25 नवंबर 2020 वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड फिर से मनाया गया, जिसमें पद्मश्री फूल बासन जी जो छत्तीसगढ़ से हैं उनको चीफ गेस्ट के रूप में और उनको अवार्ड भी दिया गया। साथियों, ये मधुर आवाज़ फूल बासन जी की उस हॉल में इस तरीके से गूंज रही थी कि जैसे कह रही हो कि बहनों आप पहले भी शक्तिशाली थी और अभी फिर से और शक्तिशाली होते हुए भारत को विश्व गुरु बहनों के साथ मिलकर कैसे बनाएं, और उसमें अलग अलग दिशाओं से आई हुई समस्त बहनों का जो वहां पर इतना मान सम्मान हुआ, जिसमें ज्यूरी बोर्ड की चित्रा दलाल जी, ज्योति चान्ना जी, विनीता कामीबिरी जी, किरण साहनी जी और विशाला शर्मा, लक्ष्मी ठाकुर, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। हम विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं विजय तिवारी जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में पूरा साथ दिया और अभी फूल बासन जी से बात कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग लोटस टावर टीवी पे श्रीमती फूल बासन देवी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपने सबने देखा होगा इनको अभी हाल ही में हुए कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के साथ। आप पद्मश्री हैं और कल 25 नवंबर को 13वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया दिल्ली में। आपने बहुत ही बेहतरीन काम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया है और हम लोगों के लिए तो भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं चाहूंगा कि आप स्वयं अपने बारे में बताएं, फिर जैसा होगा बीच में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आयोजक पूरा समिति को, जो एक प्यार भरा दुलार भाई बहनों का मिला और वो सम्मान दिए, क्योंकि ये सम्मान एक दीदी का नहीं है, वो 2.5 लाख महिलाओं का सम्मान है, वो गरीब महिलाओं का सम्मान है जो घर से निकल के महिलाएं बाहर जाती हैं, काम करती हैं, जो महिलाएं जो पीड़ित हैं समाज से, परिवार से डरे रहती थी, वो महिलाएं का ये सम्मान है। इसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे सर जी का और दीदी का, लक्ष्मी दीदी का और विजय तिवारी सर जी, भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बस यही कहूंगी कि ये कार्यक्रम 25 तारीख का जो कुछ हटके कुछ करती हूँ उनका सम्मान होता है, बहुत आगे बढ़ेंगे और हम सभी 2.5 लाख महिलाओं की तरफ से मैं संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं बस गांव में गाय बकरी चराती थी, कभी सोची भी नहीं थी कि कुछ मैं कर पाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि मन में ढीन इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं के प्रति विश्वास हो जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये करने का मेरा मेन, शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती ना, मेरा सोच यही नहीं था कि मैं पद्मश्री सम्मान तक या जमुना लाल बजाज स्त्री शक्ति, बहुत सारा कईयों सम्मान मिला, याद तो नहीं है कि हर महीनों में सम्मान मिलता रहता राष्ट्रीय लेवल का, याद नहीं है। लेकिन ये सम्मान के लिए मैं काम नहीं करती हूँ, मैं एक महिलाओं का जिंदगी सुधारने के लिए सबसे पहले खड़ी हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वयं बचपन से एक तकलीफ से हूँ, वो है मेरी गरीबी, वो है मेरी भूखमरी और वो है अशिक्षा। 7 साल की उम्र से माँ बाप इतना गरीब थे कि 2-4 दिन तक भूखा जलाना पड़ता था, माँ बाप को रोते हुए देखती थी, सुबह मांगती थी खाना कि हमको खाना दो, रोते थे तो शाम तक खिलाएंगे, फिर शाम होता था तो फिर यही बोलते थे कि नहीं बेटा सुबह खिलाएंगे। एक छोटे से होटल में हम लोग 5 बहन 2 भाई थे, कई दिन तक रोते बिलखते हुए मेरे भाई बहन को देखी और उसमें मेरा मन लगा कि माँ बाप क्यों रोते हैं, बाकी भाई बहन को तो इतना समझ नहीं था, हम लोग रो रो के बुरा हाल था, शरीर में न कपड़ा था न तन में न खाने का एक वक्त रोटी नहीं था। तो वही होटल में मैं कब्बसी धोते धोते मेरा भी मन लगा
कि वहां सर लोग आते थे उनके जेब में पैसा देखती थी, वहां जो ट्रैवल कंडक्टर थे उन लोग के जेब में पैसा देखती थी, तो मेरा मन लगता था कि मैं भी पढ़ू लिखू, क्योंकि उन लोग पढ़े लिखे थे इसीलिए उन लोग शिक्षक थे, गुरुजी थे, बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो बिल्कुल होटल झोपड़ी था, उसी होटल के पीछे में ही स्कूल था, मैं वहीं पे मेरा ध्यान था कि मैं पढ़ूं लिखूं। दौड़ते दौड़ते जाती थी स्कूल में और जाके सर को, वहां के गुरुजी को बोलती थी सर मेरे को भी पढ़ाना, सर यही बोलते थे कि नहीं बेटा कहाँ पढ़ेगी, तो जो अपने माँ बाप को बुला के ला, कपड़ा पहन के आना, पुस्तक लाना, ऐसे बोलते थे। फिर दौड़ते दौड़ते आती थी अपने माँ बाप को बोलती कि मेरे को स्कूल जाना, मेरे लिए पुस्तक लो, पट्टी लो। माँ बाप फिर चिल्लाते थे कि नहीं पढ़ना नहीं है। ऐसे ऐसे मेरा 7 साल का जो उम्र था महीनों दिन ऐसे चलता गया। तो मैं बस एक पन्ना उठा के देखती थी कि कम से कम कुछ तो पढ़ने आ जाए। बच्चे लोग पढ़ते थे चिल्ला चिल्ला के, राष्ट्रगीत गाते थे, नाचते थे, उन लोग खेलते थे, तो मेरे बहुत प्रभावित मन लगता था कि शायद मेरा भी कोई होता तो मेरे को भी पढ़ाते करके। होटल के पीछे में बैठ के बस देखते रहती थी और उन लोग बच्चे लोग जोर जोर से चिल्लाते थे उसी को कान में सुन सुन के वहीं पे चिल्ला चिल्ला के एक पन्ना को लेके पढ़ते रहती थी। उसी में कोई कोई आए मेरे को, ट्रैवल कंडक्टर लोग देखते थे माँ बाप को, एक दिन ऐसे लगा कि ये लड़की कुछ काम वाम नहीं करती, बस पन्ना लेके बैठ जाती पीछे में होटल के। डांटते थे, मारते भी थे मेरे माता पिता कि ये ध्यान मत दे, वो कुछ काम करे कब बच्ची, क्योंकि हमारा इतना लायक नहीं था कि मैं हम इनको पढ़ा सके। एक दिन पानी बहुत गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था, बच्चे लोग बहुत पानी में, बचपन मस्त ड्रेस में जाना, खेलना कूदना, मस्ती करना, जो दोस्त रहते हैं सभी लोग का जो खेल कूद को ना, मेरे को इतना प्रभावित होना पड़ा कि मैं रोते रोते अपने आप को नहीं संभाल पाई, अपने पिताजी हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि बाबूजी मेरे पढ़ना है आज, कुछ भी करो मेरे पढ़ाओ। फिर मेरे माँ पिताजी बोले कि बेटी हम गरीब है कहाँ से पढ़ाएंगे, जब दो वक्त तक रोटी नहीं है खाने का तो पढ़ने का नाम लेती है। फिर बार बार मेरे फिर लगा नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है। फिर मेरी माँ चिल्ला बोलती है कि तू बेटी है ना, पढ़ के क्या करेगी, तेरे को ससुराल जाना है, तू दूसरे घर की धन है, हमारे घर की धन नहीं है, तेरे को जाएगी दूसरे घर जाएगी, खाना बनाएगी, चूल्हा फूकेगी, तो पढ़ने का नाम मत ले। तो दोनों जो शब्द है गरीब और जो एक बेटी है जो क्या करेगी, वो दोनों जो शब्द है मेरे लिए किरण की तरह लगा कि एक माँ हो के अपने बेटी को क्यों ऐसे बोलती है कि वो दूसरे घर की धन है। उम्र छोटा था लेकिन सोच मेरा यही था कि माँ बेटी और बेटा को क्यों ऐसे, बेटे को क्यों नहीं बोलते, लेकिन बेटी को क्यों बोलती है कि तू दूसरे घर की धन है। पिताजी का बात याद आया कि गरीब है बेटा, हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ने की जिद मत कर। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, गरीब होता क्यों है, गरीब को कोई देखने वाले क्यों नहीं है, आजू बाजू में सभी लोग खाते पीते हैं, लेकिन गरीब को दो वक्त को रोटी क्यों नहीं खिलाते, हम लोग क्यों दो दिन चार दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं। बस मेरा सोच इतना बढ़ गया उसी दिन सोच ली मैं कि जिंदगी में जो बेटा जो काम करके नहीं दिखाया वो काम मैं दिखाऊंगी। मैं सोच ली कि अब मेरा जिंदगी में ऐसे करूंगी जो मैं अपने माँ बाप का एक उनको नाज हो मेरे ऊपर कि क्या वो मेरी बेटी है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है, बेटे लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मैं बीच में आपको यहाँ पे रोकूंगा। हमारा जो गांव है, आप गांव से आती हैं, पहले मुझे पता है कि हमारा गांव बड़ा संपन्न होता था, खेत किसी के पास भी हो लेकिन भूखा गांव में कोई नहीं रहता था। क्योंकि मुझे अपने बचपन तक याद है कि जिसके पास खेत होता था वो जितने भी गांव में जातियां होती थी, चाहे कहार है, बढ़ई है, मोची है, सब काम भी करते थे, लेकिन सबका उसमें हिस्सा, अनाज में हिस्सा होता था। हाँ। खेत आपका बेशक है लेकिन अनाज सबको मिलेगा। लेकिन अब ये आजादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग गुलामों जैसे रहते हैं और सरकार की तमाम योजनाएं रहती हैं सिर्फ भूखे का पेट भरने के लिए, तब भी सब भूखे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप
ये योजना सरकार का अभी तो नया नया योजना आ रहा है, लेकिन 20 साल पहले की बात है, ये योजना नहीं था। पहले हम लोग जो गरीब हैं उन लोग एक दूसरे के प्रति देखते थे, समझते थे, लेकिन अब और ऐसी स्थिति नहीं है। आप अपने अपने में ही मग्न रहते हैं। पहले अधिया रेघा भी वो लेते थे एक दूसरे का, मेरे यहाँ के खेत बोआ इनको धान लूना है तो दूसरे का लू लेते थे, ऐसे होता था। लेकिन अब अपने में मशीन आ गया है। अभी की स्थिति में बहुत ऐसे स्थिति ये है कि ना अपने तक सीमित रहना चाहते हैं। और अभी इतना अकाल के कारण में भी जो खेती किसानी है उसमें भी बहुत कम फसल हो रहा है, बहुत कम हो रहा है जो चीज आमदनी होना चाहिए, क्योंकि आज रासायनिक खेती है। रासायनिक में आदमी कितना ज्यादा पैसा लगाते हैं उससे गरीब हो जाते हैं। जो भी दवाई से लेके खेत में जो भी दवाई है वो डाल देते हैं। पहले के हमारे जो मुखिया थे, सियान थे, पिताजी लोग थे, उन लोग ना धान में कुछ खेत में नहीं डालते थे, गोबर से ही खातू से उन लोग का खाना पीना का चावल का इकट्ठा हो जाता था। अब तो बहुत ही सारा दवाई है, बहुत सारा उनमें रासायनिक खाद डाला जाता है तब धान होता है। तो जो फायदा जो 90% मिलना था वो फायदा अब इंसान को 95% तो पूरा भग जाता है, 5% में क्या कर ले। ये किसानों का हालत है। तो ये स्थिति पहले था, अभी तो ऐसी है। इसको फिर हम लोग चाह रहे हैं कि इसको पहले आगे लाए। थोड़ा सा जो है, आपने कैसे ये महिलाओं का जो कार्य शुरू किया, इतना बड़ा 2.5 लाख लोगों तक आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कैसे आप? मैं इसी चीज को बता रही थी कि वहाँ से 10 साल में शादी कर दिए गरीबी के कारण, दूसरे लोग 5वीं तक पढ़ा दिए और सिर्फ एक साड़ी बस दिए मेरे को, मेरे माँ बाप भेज दिए वहाँ, क्योंकि गरीबी इतना था कि हम लोग को 2-4 दिन भूखा रहना पड़ता था। तो माँ बाप भेज दिए। 10 साल शादी किए, 13 साल में ससुराल, यहाँ भी पति गैया बकरी चरा रहे थे। तो मैं 20 साल तक पूरे समाज में देखी हूँ कि मेरे भी दो बेटे आ गए। मैं 15 साल के बीच में ही माँ बन गई थी, बड़ी लड़की में 15 साल में मेरी जन्म हो गया था। तो बच्चे छोटे छोटे थे, 7-4 बच्चे थे, उन लोग को भी 9-10 बजे रात तक देखते रहती थी कहीं चावल मिल जाए, मांगती थी, कोई देते नहीं थे। डेढ़ साल का मेरा छोटा लड़का था, खड़े नहीं हो सकता था भूख के कारण, चावल के मार को लेके मांगती थी, चावल का मार दे दो करके। लेकिन सब लोग मजाक करते थे, हंसी उड़ाते थे, दरवाजा बंद कर देते थे। तो मेरे को ना ऐसे लगा कि मैं क्या करूं, बच्चे लोग 2-3 दिन भूखे प्यासे, एक नमक भी नहीं मिलता था। 2-4 महीने को नमक मिर्च खाने को देखते ना तो ऐसे टूटते थे, जानो मानो कोई चीज मिल गया हमको, मिठाई ये नमक के लिए होता था। पति है, किसी के यहाँ गाय दूर है, उसे दूध को पी लिए, अपना पेट भर लिए, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, इतना बच्चे लोग को कैसे भूखे रख सकती है, क्योंकि वो कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के जन्म देती है, स्वयं भूखे रहेगी, प्यास रहेगी, बीमार पड़े रहेगी, लेकिन बच्चे लोग को अच्छा देखती है माँ। तो मैं 20 साल तक वैसे जिंदगी जीते गई, सबको मंगी, सबको बोली, सभी लोग मजाक उड़ा, कई प्रकार के बोलने लगे। तो मेरे मन में ये लगा कि मैं क्या करूं। एक दिन आत्महत्या करने के लिए भी निकल गई कि मैं मर जाऊं, अपने बच्चे लोग को लेके, दो बेटा को लिए और निकल गई। बीच में मेरी जो दोनों बेटियां बड़ी थी, 7 साल की और 4 साल की, उन लोग रोने लगे कि माँ हमको नहीं मरना है, हम लोग जीना चाहते हैं। अच्छा। उसी दिन से मेरा मन में लगा कि आज मेरे जैसे, मेरी बच्चियों की जैसे और मेरे जैसे कई सी माँ होगी, उन लोग भी ऐसी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते होंगे समाज के लिए। शायद आज मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे लोग तो मेरे को रोक रहे हैं, लेकिन कोई भी माँ अपना जिंदगी ऐसे समाप्त करते जाएंगे, उससे अच्छा मैं अपने बच्चों के लिए नहीं समाज के लिए जिंदगी जूंगी। और 2 रुपए पैसे, 2 मुट्ठा चावल से 11 महिलाओं को पहले जोड़ी, ये नहीं सोची थी कि मेरे साथ 2.5 लाख महिलाएं जुड़ जाएगी। तो सिर्फ 11 महिलाएं, क्योंकि एक माँ आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे करना चाहिए? मैं आदिशक्ति माँ दुर्गा का बहुत भक्त हूँ, मैं मानती हूँ मेरी माँ को। माँ का ध्यान मेरे को आया कि माँ पार्वती एक ना आत्मा अपना माता रानी, जब महिषासुर दानव का वध करना था तो माता रानी आदिशक्ति माँ दुर्गा के रूप धारण की माँ पार्वती, तो वो महिषासुर दानव का वध की है। तो हम भी वैसी माँ 11 महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगे और 2 रुपए पैसा और 2 मुट्ठा चावल इकट्ठा करेंगे, जिससे एक माँ अपने बच्चे को नहीं खिला सकती, लेकिन 10 माँ 2-2 मुट्ठा जमा करेंगे चावल को, तो हमारा 3 किलो चावल एक महीने में हो जाता था।
2 रूपये पैसे जमा करते थे तो हमारा महीना में 110 रूपये इकट्ठा होता था। इसमें हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बच्चे भूखे उसको खिला सकते हैं और समाज में भी, क्योंकि कहते हैं कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए किसी में ताकत नहीं तोड़ सके। तो वो संगठन बनाना चाह रही थी मैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हम सभी महिलाएं रोड में खड़े रहेंगे तो चक्का जाम हो जाएगा, एक महिलाएं खड़े रहेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहीं से मेरे दिमाग में लगा कि 11 महिलाओं का ये 2.5 लाख बन जाएगा, कभी सपना में भी नहीं सोची थी। कहते ना कर्म करो फल का आशा मत करो, तो वैसे शुरू हुआ और धीरे धीरे आज 14,000 महिला समूह है, उसमें 2.5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और जिसमें 40 करोड़ बचत राशि है। बहुत बढ़िया। हाँ, जिसमें महिला समूह का, महिला का संगठन का ताकत और पैसे का ताकत, महा ताकत आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पद यात्रा करना, रक्तदान करना, शिविर लगाना, संस्थागत प्रसव करवाना, महिलाओं को टीकाकरण करवाना, शिक्षा में महिलाएं को शिक्षा में उनको पढ़ाई लिखाई करवाना, ऐसे धीरे धीरे स्वच्छता में पूरा शौचालय बनवाना बिना सरकार की मदद से। शौचालय बिना सरकार की मदद से? मेरी महिलाएं खुद अपना राजमिस्त्री का काम करती हैं। नहीं तो सरकार कुछ उसमें पैसा देती है? नहीं, हम लोग, मैं शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता। सरकार कहते हैं कि शौचालय बनाइए, शौचालय उपयोग करो, लेकिन शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता, उनका उपयोग कराना ही सबसे बड़ी बात है। तो उनको हम लोग जगाने की कोशिश किए कि शौचालय, जब सोच बदलेगा तभी शौचालय का उपयोग होगा। सोच बदलना है तो खुद का जब पैसा लगता है ना, तो इंसान को समझ आता है कि मेरा घर है। सरकार कोई चीज बना के दे देगी ना, उनका उपयोग नहीं होता। तो इसलिए हमारे जिले में पूरे 1681 ऐसे गांव हैं जहां महिलाएं स्वयं शौचालय बनाई हैं, और दूसरे जिले में भी जाके प्रचार प्रसार करती हैं। और शौचालय एक अपने घर में नहीं, पूरे गाँव भर में घूम के 1 दिन में 8 दिन में पूरा गाँव शौच मुक्त हुआ। अच्छा, सिर्फ 8 दिन में शौच मुक्त, 12 दिन में पूरा गांव शौच मुक्त। आज राजनांदगांव जिला ऐसे है जो 95% शौच मुक्त जिला बना है, और सारे बिना सरकारी मदद से। बिना सरकारी मदद से जी, और टॉयलेट सब यूज होता है? सब यूज होता है। महिलाएं जो महिला फौज है हमारी, वो महिलाएं डेली घूमती हैं, जो उपयोग नहीं करती हैं, कहीं बाहर चले जाती हैं, कुछ भी हो गया, कोई भर गया सीट वीट, तो उसके लिए पूरा महिलाएं समझाइश देती हैं, हर मंगल त्योहार मनाती हैं, साफ सफाई करती हैं गांव का, और घूमती हैं, पीने खाने को मना करती है, बहुत सारा काम महिला फौज की महिलाएं जो गुलाबी शेरनी है उन लोग करती है। जो गुलाबी शेरनी है हमारी दबंग बहनी, जिन्होंने लकड़ी लेके सिटी बाजार पूरे गांव का भ्रमण करती 3 घंटा। अच्छा, तो नशा मुक्त कितने गाँव हो गए हैं हमारे यहाँ? अभी तक 975 ऐसे गांव हैं जहाँ पूर्ण रूप से नशा मुक्ति हो गया। हाँ, हो गए हैं, और अभी बहुत सारे गांव जो 70-80% है, कहीं 75% सुधर चुका है, और कुछ बचा है उसको अभी महिलाएं पूरे संगठन में भीड़ के हम लोग उनको भी पूरा, उन लोग तो सीधा ट्रक पूरा ड्राम शराब कर रहे थे उसको आग लगा देते हैं। अच्छा, महिलाएं कहीं भी कोई पहाड़ में चढ़ जाती है, कहीं पेड़ में चढ़ जाती हैं, बाहर से कोई शराब आ रहा है उनको पकड़ती हैं, यहाँ तक के जो चुनाव के समय कोई कहीं कहीं जगह में कोई शराब लाते हैं, कोई साड़ी लाते हैं, कंबल लाते हैं, उनको भी पकड़ती हैं, गांव में नहीं लाने देती हैं। तो राजनंद गांव में शराब की दुकानें नहीं है? सरकारी है, उसी से हमारा झगड़ा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार शराब भट्टी बंद करे। हमारी झगड़ा उसी से है, क्योंकि एक दिन हम लोग ऐसे काम करने वाले हैं शायद कभी इतिहास में नहीं होगा। किसी के घर खाना नहीं बनेगा, किसी के घर चूल्हा नहीं बनेगा, जलेगा, और सभी महिलाएं 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो हम पूरा रोड में आने वाले हैं। किस शराबबंदी? शराबबंदी के लिए आने वाले हैं कोई भी महिलाएं, क्योंकि आज जवान बेटा है वो शराब पी के खत्म हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। दूसरी बात है 10-12 साल के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे लोग शराब पी रहे हैं। एक आप राज्य महिला प्लानिंग योजना आयोग की आप सदस्य रही, तो आपको उस समय किस पीरियड से रही और उस समय आपने क्या क्या कार्य किया, ये कार्य आपको उस समय कैसे, इसको आपने क्या क्या किया? मैं राज्य योजना आयोग में रहने के पहले मैं बस सरकार से बात करती थी और सरकार इसको माने भी, जैसे बालिका बच्चों का शादी करना है तो आदर विवाह किए तो उसमें 30,000 रूपया पैसा मिलता था। मैं जो गरीब महिलाएं हैं जिनका शादी करना है, माँ बाप बहुत गरीब हैं,
तो उनके लिए ना शादी कराना है तो सरकार 30,000 देती थी। दूसरा नशा, ये बाल विवाह रोकथाम के लिए कि कहीं भी बेटियों के साथ कोई शादी हो रहा है बाल विवाह, तो पूरे पुलिस प्रशासन और शासन से मदद लेती थी और शादी वहाँ जहाँ बारात भी है उनको रोकवाती थी। इसमें गणेश शंकर मिश्रा भी हमारे थे साथ में कलेक्टर के रूप में। तीसरा चीज था कि सरकार बहुत सारा योजना निकालती है, योजना तो निकालती है, कई करोड़ रुपया पैसा खर्च होता है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं जाता क्या गरीब को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या बीच में ही वो पैसा वहीं रुक के फिर वापिस चला जाता है। योजना बनाने से कुछ नहीं होता, योजना चलाना है तो उनका निरंतर उनका देख रेख करना जरूरी है। जैसे मैं अब मेरा कंपनी सोसाइटी चल रहा है, सभी जगह महिलाएं और भाई लोग काम कर रहे हैं। सरकार को मैं ही बोलना चाहती हूँ, रोजगार गारंटी कमा रहे हैं, पैसे के लिए मांगना है तो पैसे के लिए उनका एक नया चप्पल पहन के जाती है महिलाएं कमाने, लेकिन उसका चप्पल पूरा खड़े हो जाता है, घिसा जाता है पैसा मांगते मांगते, क्यों होता है। सरकार ट्रेनिंग तो देती है, बहुत सारा ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में जब बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं कि लोन 6 महीने 7 महीने मिलेगा, तो जो इच्छा शक्ति है मर जाता है। तो इसमें आपका गुलाबी शेरनिया काम नहीं करती? इसमें हम लोग करते हैं, लगा चाहे कोई महिलाओं के साथ कानूनी जो मदद होता है, जैसे कुछ नहीं कर रही है, उनका सहयोग नहीं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करते, या कोई अधिकारी या कलेक्टर उनके बात को नहीं सुन रहे, तो वहाँ महिलाएं सामने आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, सभी जगह आती है, ये भी कहते हैं कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ या बलात्कार केस है, किसी जला दिए, भून दिए, मार दिए, वो आरोपी घूम रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं कि आप मान लो 2-3 दिन या 6 महीने हो गए आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है, तो पूरे महिलाएं हम लोग चक्का जाम करेंगे, तो करने के लिए तो नहीं लगा, मदद करते हैं पूरे शासन प्रशासन, हम लोग का देरी होता है उसमें हम लोग करते हैं। आने वाले समय में हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन समाज में और बहुत सारा सुधार जरूरी है। ये नशा, पहले तो नशा है, दूसरा आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग चल रहा है हमारे यहाँ, बेटियां न घर में ढंग से सुरक्षित है न बाहर में है, बेटियां डर डर की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अभी आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटियां 5 लड़के भी सामने में आ जाए तो लड़की सुरक्षित रहेगी, वो स्वयं अपने आप को सुधार सकती है, अपने आप को संभाल सकती है। कौन देता है ट्रेनिंग? हमारी महिलाएं ही देती है, हमारी ही बेटियां हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं, हमारे यहाँ चल रहा है पूरे जिले में और इसको पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग चला रहे हैं। सभी जगह 100 से 200 महिलाएं हैं जो ट्रेनिंग देंगे उन लोग को, उन लोग पूरा जिले में देंगे, तो ये हमारा आत्म सुरक्षा करेगा, क्योंकि आज आने वाला समय में देखिए हर जगह बेटियों के साथ छेड़खानी हो रहा है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एक पत्थर से अपने आप को बचा सकती है, एक धूल से अपने आप को बचा सकती है, एक पिन से भी अपने आप को बचा सकती है। एक छत्तीसगढ़ में भी मेरे ख्याल से 1/3 अच्छा, ये जो हमारा पंचायती राज है इसमें महिलाओं को आरक्षण है, तो कितनी महिला सरपंच हैं? क्योंकि पूरे भारत में देखने को आता है कि महिला सरपंच तो हो गई है, लेकिन अब उसका पति उसकी पंचायत को चला रहा है या उसका भाई या रिश्तेदार, तो एक तो इसमें आपने क्या काम किया, दूसरा नशा मुक्ति तो आपने किया है, अच्छी बात है, क्योंकि शराब की दुकान, मुझे यही नहीं समझ में आता है, सरकार एक तरफ कहती है कि शराब बंदी, दूसरी तरफ शराब की दुकान वही ले जाके जड़ में खोल देती है कि आदमी पी लो और काम खत्म, वो वही ऐसे ही हो गया जैसे कोरोना। और दूसरा, आपके आने के बाद राजनांदगांव में, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइट बेल्ट भी है, गांव के अंदर कानून व्यवस्था को कैसे आपने सुधारा? क्योंकि नशा मुक्ति तो आपने किया, रोजगार आप दे रही हैं, अब कानून व्यवस्था में कैसे उसको किया है, और जहां महिला सरपंच हैं उसमें कैसे आपने ट्रेन करके उनको फ्रंट में लाए? क्योंकि आप तो मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल फ्रंट में हैं, आपके भी परिवार है, 4 बच्चे हैं, पति है, लेकिन वो आपको, वो नहीं कि वो आपके बदले में बात कर रहे हैं, आप खुद, यही मेन चीज है, यही है वुमेन एम्पावरमेंट कि महिला सशक्तिकरण, कि भाई आप चुनो आप बन के आओ, लेकिन कम से कम आप लीड भी लो, तो इसके बारे में थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल आप रखे भैया जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।
क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महिलाएं क्यों चुप बैठी हैं। आज भी वस्ताओं में बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाहे बड़े से बड़े जगह में तो हैं, लेकिन जहां बोलना है वहां नहीं बोल पाती हैं। उनका डर सबसे बड़ा जो चीज है, डर है, वो डरती हैं कि क्या मैं इसमें क्या बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, या मेरे पति कुछ बोलेंगे, या मेरे गाँव कुछ बोलेंगे, या समाज कुछ बोलेंगे। पंचायत में भी वो महिलाओं का यही रहता है कि सरपंच तो बन गई है लेकिन इतने सारे पंचायत का बात है, मैं कैसे बोलूं, उससे अच्छा अपने पति को दे देगी, नहीं नहीं आप बोलिए, मेरे को नहीं आता बोलने। वो आत्मनिर्भर वो बनना चाहती है, उनमें सोच है, लेकिन वो डर है ना, उसके लिए आगे नहीं आती। तो इसके लिए मेरा शुरू से आज मैं बड़ा गर्व के साथ बता सकती हूँ कि मेरे यहाँ राजनांदगांव जिले में जो जिले की अध्यक्ष है, जिला पंचायत के अध्यक्ष एक महिला है, और वो भी मेरी महिला है जो कार्यकर्ता। अच्छा, आपकी कार्यकर्ता? अरे कार्यकर्ता है वो, बिचारी महिला दीदी है गीता जी, जो आज जिला का जनपद का है जो एक महिला है, और वो बहुत अच्छे ढंग से हर जगह अपना बात रखती है। जनपद में भी है, वो एक महिला ही है, जनपद में अध्यक्ष है वो महिला ही है, और सदस्य भी बहुत सारे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनको मंच देती हूँ, क्योंकि अचानक उनको कहीं भी उतार दोगे तो उनको सबसे पहले सीखना पड़ता है डरना, जो डर है ना उसको भगाना पड़ता है। और मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, मैं कभी अपने बात को नहीं रखती, उनके बात को सुनती हूँ, क्योंकि बोलने वाले बहुत मिलते हैं, नेता लोग आते हैं भाषण देते हैं, अधिकारी लोग आते हैं अपने भाषण देते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब कोई महिलाएं की जो मन में जो चीज है उनको सुनो आप, तो उनका जो डर है भगता जाएगा। धीरे धीरे मंच मिलता है वो धीरे धीरे बोलने लगती है, क्योंकि उनमें है आत्मगुण पूरा भरा है, उनको जानने वाला जगाने वाले चाहिए। राजनांदगांव में सरपंच भी है वो भी अपना काम करती है, जिला अध्यक्ष है वो भी काम करती है, जनपद में भी है वो, कहीं भी ले जाए वो भी काम कर लेती है। पार्टी में जो जुड़ी है, पार्टी तो है ही उनका, लेकिन बात करने का जो तरीका है, मेरा मेन वही है कि महिलाएं घर में पति को खाना खिलाओ, बच्चे को खाना खिलाओ, खाना बनाओ, कौन से सब्जी बनाना है, क्या दाल बनाना है, कपड़ा धोना है, फिर उनके पास समय नहीं हो, दिमाग में वही बसा रहता है घर में रहने के बाद। जब वो महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाती हैं, तो एक दूसरे महिलाओं के साथ जुड़ती है, उनका सोच और आपका सोच, सबका सोच अलग अलग रहेगा, जब उन लोग सोचेंगे ना उनका दिमाग खुलता है। घर में नहीं खोल सकता, लेकिन वो बाहर में निकलेगी तभी वो खुल सकेगी। वो हम लोग पहले उनका नाम पूछते हैं, जितने बार आएगी बार बार नाम पूछते हैं, उनके पति के नाम, उनका गांव का नाम, उनका जनपद, उनका जिला, ये पूछते रहती तो डर भगता जाता है। तो पहले उनका निमित्त बैठक रखते हैं, दूसरा निमित्त उनका बचत भी रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी जरूरी है। अपने पति को ही बार बार ना मांगे, आत्मनिर्भर बने तो अपना बचत खुद रखे। तीसरा है कि वो अपना पैसे से लेन देन शुरू करे, वो भी एक झिझकपना है कि नहीं मेरे पति लेंगे, मेरे बच्चे लेंगे, क्यों हम क्यों नहीं ले सकते, तो ये लेन देन भी शुरू करवाती हूँ। ये भी डरवाती हूँ कि वो हर चौथा, मेरा यही मंत्र है कि वो अपने पैसे को लेने देने में भी एक ऐसे रहे कि सुरक्षित, कि कहीं भी किसी से ले ले खा ले भग जाए, उनका जो व्यवहार है बना रहे सबके प्रति। पांचवा चीज है, उनको लेन देन भी आना चाहिए, रिकॉर्ड लिखना भी आना चाहिए, तो ये शिक्षा में आता है, उनको पढ़ाई हूँ, यानी कि मेरा मेन तीन मंत्र है, पढ़ाई भलाई सफाई, पढ़ाई भलाई सफाई, पढ़ेगी भलाई करेगी, फिर उसके बाद पूरा अपने घर और समाज का भी सफाई करेगी जो समाज में है। आखिरी, अब कौन बनेगा करोड़पति में नहीं, एक तो कैसे आपका चयन किया, दूसरा उस समय, क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी पब्लिसिटी आपको पद्मश्री में नहीं मिली होगी उससे ज्यादा, कई ज्यादा जी। लेकिन जो आपने अभी बताया कि अभी पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, ये क्या पहले बताया था कि नहीं करेंगे, या वहाँ पे जाके इस तरह से किया कि नहीं किया, क्योंकि आपको 50 लाख का जीती जी, ठीक है, तो ये बाद में उन्होंने कहा कि अभी नहीं हम बाद में करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताए कैसा जी। सबसे पहले केबीसी में जाने का, एक जो पूरे भारत के भाई बहन है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसमें सब तन मन धन दिए मेरे को वहां तक जाने में। कोई मोबाइल को पकड़ के बस मैसेज करते कि इनका कार्यक्रम देखो, इनका कार्यक्रम देखो, हमारा फुलबासन दीदी का कार्यक्रम है, इसमें आप लोग भी हो, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
क्योंकि सभी लोग इतना चाहें इतना माने कि एक पढ़ी लिखी नहीं है दीदी, वो एक केबीसी में जा रही है और उन्हीं की ताकत उन्हीं के बदौलत मैं आज 50 लाख जीती हूँ। 50 लाख जीती तो हूँ लेकिन वो पैसा तो नहीं मिला है अभी, शायद 2 महीने में मिलता है शायद उनका कुछ दिया हुआ है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं चला गया, फिर वो क्या होता है अब वो उनका ये है, उसके बारे तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन इतने बड़े शख्सियत है, लोग इतना फॉलो करते हैं और उन्होंने बैंक की भी पब्लिसिटी। किस तारीख में आप गई थी वहाँ पे? मेरा 5 तारीख को था। 5 कौन सा महीना? अभी अगले महीने का 5, पिछले महीने का 5। हाँ तो शायद 2 महीने का में ही मिलता है बताया कुछ। नहीं तो आपको पहले से पता था कि 2 महीने के बाद मिलेगा? नहीं खेलने के बाद बताया कि हाँ 2 महीने के बाद। अच्छा खेलने के बाद? हाँ खेले तो इनका जो है तो 2 महीने में आएगा ये, और इनको अभी शायद कुछ आयकर विभाग में भी जो देना पड़ता है 15 लाख 30% कटता है उसमें पैसा, तो 30% कटेगा बोले तो कोई बात नहीं है। नहीं तो आपका तो इनकम टैक्स रिबेट होगा, आप बोलिए हमारा महिलाओं का क्यों काट रहे हैं भैया। हाँ तो ये भी चीज तो मैं नहीं बोली क्योंकि मेरा सोच पैसे कमाने या सम्मान के लिए नहीं था। तो आपकी महिलाओं का पैसा है ना, आप तो स्वयं सहायता समूह, ये सब चीज को सोचना चाहिए कि कौन इंसान है जो एक रुपया हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखता है, 1 रुपये, और हमारा फेडरेशन जो बना है 1 रुपये पैसे से बना है, वो गरीब पसीना जिनका निकलता है वो महिलाएं एक एक 2-2 रुपये इकट्ठा करके आज 2.5 लाख महिलाओं का जो संगठन बना है, तो शायद सभी लोग को यही लगता है कि दीदी से तो ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में तो मैं ज्यादा और नहीं बता पाती क्योंकि इनका क्या नियम है क्या है तो नहीं जानती, लेकिन सभी का यही कहना है तो सबका काट ले, जिन लोग को घूमने जा रहे हैं उन लोग देश विदेश घूमने जा रहे हैं, लेकिन फुलबासन दीदी है वो तो गैया बकरी चराती है लेकिन उनका पैसा क्यों काट रहे हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं, पूरे जिले के नहीं राज्य के नहीं विदेश के लोग भी भाई भैया भाई लोग बहुत जुड़े हैं, दीदी लोग जुड़े हैं और बहुत सारी है कि कंपनी बहुत सामने आए हैं हम लोग के सहयोग करने के लिए, कोई हॉस्पिटल खोलने के लिए तैयार है, कोई स्कूल खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी भी चाह रहे हैं कि दीदी के साथ जुड़ेंगे, साथ में फिल्म सिटी के भी बहुत बड़े लोग हैं जिन लोग आ रहे हैं, जैसे सलमान खान सेरा जी हैं और जयप्रदा जी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े फिल्म सिटी के हैं जिन लोग चाहते हैं, जो कवि है उन लोग भी आ रहे हैं सामने में, सभी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस पैसे से तो मिलना तो मिलेगा ही, लेकिन मैं पहले से काम शुरू कर चुकी हूँ, आश्रम बना है, मिले या न मिले मेरे लिए मायने नहीं है लेकिन मैं आश्रम बना के रहूंगी, ये मेरा ताकत है। आपका आश्रम निश्चित बनेगा और हम लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा, आप क्योंकि आप प्रेरणा स्रोत बन गई हैं महिलाओं की, तो भारत की महिलाओं के लिए, विदेश में भी यही दिक्कत है, विदेश में ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लिया तो वो महिला नहीं, उसकी समस्या अलग है, वही उसका परिवार वही पति वही झगड़ा वही लड़का वही वो सब उसका भी, एक तो उनके लिए क्या आपका संदेश है, दूसरा आप कैसा भारत, क्योंकि आपने सुना होगा हर आदमी बोल रहा है विश्वगुरु भारत विश्वगुरु भारत, तो वो कैसा विश्वगुरु भारत होगा इस पे भी थोड़ा सा। बहुत सुंदर बात। सबसे पहले तो दुनिया में हम कहेंगे कि हमारा मदद करेगा, हम एक दूसरे को मदद करने के लिए देखते रहेंगे तो हमारा कोई मदद नहीं करेगा, जो इंसान स्वयं अपने मदद करेगा अपने आत्मशक्ति को जागेगा वही चाहे पुरुष हो या महिला हो वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि मन में ढीन इच्छा शक्ति लगन और स्वयं के प्रति विश्वास जरूरी है, हमारे में विश्वास नहीं है तो हमारे मदद करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे भाई जी हैं जो हमारा मदद करेगा तो बिल्कुल मदद करेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास जरूरी है। महिलाएं में वो ताकत है, पुरुष तो 2 गुना काम करेंगे तो महिलाएं तो 4 गुना उनका दिमाग चलता है, कंप्यूटर बनाने वाला इंसान इंसान पहले दिमाग लगाया तब कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बड़ा नहीं है इंसान का दिमाग बहुत बड़ा है, तो इंसान के दिमाग में है उतना चीज लेकिन उनका उपयोग नहीं करते, हमारा दिमाग किसमें ज्यादा चलाते हैं कि एक दूसरे वो इतना बड़ा गाड़ी ले लिया उनका इतना बड़ा घर है बस उसी में हमारा दिमाग जाता है, कौन क्या कर रहा है उसके तरफ ध्यान ना देके हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, तभी हमारा भारत गुरु हमारा देश एक अलग स्थान बनाएगा,
क्योंकि हर एक इंसान को अपने लिए नहीं समाज के लिए भी जिंदगी जीना जरूरी है, ज्यादा नहीं तो आधा से एक घंटा भी सोचिए अपने बारे में, तो सोचते ही है दूसरे के बारे में और देश के बारे में सोचिए, क्योंकि देश में जितना खतरनाक है उससे ज्यादा अच्छे आदमी भी हैं। हमारे 90% इंसान बहुत अच्छे हैं, सिर्फ 10% इंसान है जो पूरा हमारे देश को पूरा हिला के रख दिए हैं। अब इंसान हम लोग डर डर की जिंदगी जी रहे हैं, क्यों डरते क्यों हैं हम उनसे? वो तो 10 है, हम तो 90 हैं। हम सभी लोग सोचेंगे अपने देश के बारे में तो एक दिन हमारा हमारा देश वास्तव में एक गुरु के रूप में तैयार रहेगा, पूरे देश उसको सलाम करेंगे। ये मेरा सोच है, क्योंकि भारत से बड़े दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं है जो एक दूसरे के प्रति जिंदगी जीना, जैसे अभी कोरोना काल में मैं बताना चाहती हूँ, गांव से लेके समाज तक हर गांव गांव में पूरा शहर में महिलाएं और पुरुष एक दूसरे की मदद किए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, यहाँ कोई छुआछूत का भावना नहीं था, कोई भी कहीं भी मिल जाए कोई रोटी दे देते थे, कोई कपड़ा देते थे, कोई मास्क देते थे, कोई चावल कोई दाल सब्जी। यही तो हमारा देश का एक सबसे बड़ा जगह है, इसको हम लोग सदा याद रखें, एक दूसरे में काम आए। ये बताइए जो नक्सलाइट बेल्ट है राजनांदगांव, तो नक्सलाइट आपके लिहाज से कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा? ये नक्सलाइट एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा भी है, क्योंकि वो खतरा क्योंकि जब इंसान भूखे प्यासे हैं, जो इंसान के घर में रहने का घर नहीं है, खाने का दो रोटी नहीं है, तो इंसान क्या करे? सबसे पहले बेरोजगारी के कारण में ऐसे हुआ है, ये मेरा सोच है, क्योंकि इतना ज्यादा बेरोजगारी है, आज युवा बेरोजगार है, नशा में जो आदि है वो बेरोजगारी के कारण है। पढ़े लिखे हैं लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी के कारण वो गलत रास्ते में जा रहे हैं। कई ऐसे घटना भी जो हो रहा है बेरोजगारी के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं जमीन स्तर से जुड़ी हूँ, गांव में देखती हूँ कि अच्छे अच्छे घर के बच्चे हैं, उन लोग पढ़े तो हैं लेकिन बेरोजगारी के कारण ट्रेनिंग भी ले ली है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। आपको तो, ये नहीं लगता कि शिक्षा इसका मतलब गड़बड़ है कहीं पे? अगर ये शिक्षा बेरोजगार बना रही है इसका मतलब कहीं दिक्कत है इसमें? शिक्षा गड़बड़ी नहीं है, शिक्षा जिंदगी में ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान का सही उपयोग भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो सभी लोग लेते हैं, शिक्षा सभी लोग करते हैं, लेकिन उनका उपयोग जब होगा हम सबका मदद उनको मिल जाए, जो सही संस्कार वो बेटियों को बेटों को मिल जाए वो फिर हमारा ज्ञान आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो कोई बच्चे हैं जो शराब पी रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई गांजा पी रहे हैं, इसलिए बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कुकर्म हो रहा है बेटियों के साथ। मान लो उसको शुरू से रोजगार में उनका ध्यान दे दे जाए। अब इसके लिए हरेक माँ बाप को भी एक सबसे बड़ी हमारा ताकत यही होना चाहिए, बेटियों को जो संस्कार देते हैं बेटों को भी संस्कार दे। और दूसरा चीज ये आतंकवाद जो नक्सलाइट है, नक्सलाइट बहुत कम हो चुका है, जैसे सोचते हैं उतना नहीं है, क्योंकि अब बहुत नक्सलाइट भी हैं, उन लोग समझ रहे हैं, उन लोग कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ते जा रहे हैं और आत्मसमर्पण भी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी नक्सलवादी जो भाई बहन जुड़े हैं वो लड़ाई आत्मनिर्भर बन के सामने आना चाहिए, और हमारे पास दो हाथ है दो पैर है, हम सरकार का मदद क्यों लें? हम हमारे पास गांव है, वो गांव में वो जमीन है, जमीन में हम खेती किसानी कर सकते हैं और अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। क्योंकि मैं आज तक गाय बकरी स्वयं डेयरी का काम करती हूँ, सरकार से आज तक मदद तो नहीं ली हूँ, लेकिन आज मेरे यहाँ मैं घर बना ली, मेरे बच्चे को पढ़ा रही हूँ और दो पैसे कमा रही हूँ और समाज में भी सेवा दे रही हूँ। तो ये जिंदगी में सरकार के भरोसा ना रह के हम खुद रोजगार जुड़े, क्योंकि नौकरी करने वाला तो नौकर कहलाता है लेकिन रोजगार करने वाला मालिक बनता है और हजारों हजारों को भी काम देता है। तो रोजगार करिए और अपने राज्य को अपने देश को बचाइए, क्योंकि युवा आज बहुत बड़ा ताकत है। आप सभी लोग को मैं यही कहूंगी कि हम सब एक हो जाएंगे तो हमारा देश आज देश भारत देश गुरु के रूप में पहचान होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, और हम लोग जरूर निश्चित कुछ ना कुछ कार्य आपके साथ मिलकर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। लोटस टावर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ये एक हम लोगों को बात करने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच।